चेयर बैठे हो बहुत वड्डी सिख संस्था वा जिहड़े पहले प्रधान तुहाडे चड्डा साहब ने उन्हां दे उत्ते जिहड़े एलीगेशन लगे कि उहदे बारे कोई कमेटी जांच दी बनाओगे जी दीवान वल्लों जिहड़ी कारवाई होएगी की कारवाई होएगी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए जे लोग सलाए ते तेरी उपमा निंदे ते छोड़ ना जाई जिस तरह गुरु रामदास जी महाराज ने सिर ते मेहर भरे हथ रख्या वो जिस तरह भी कमेटी बुलाई जाएगी एग्जैक्टिव दी सारी कमेटी चे मसला रख्या जाएगा जो भी कमेटी पास करेगी फिर ओहदे ते अपना अमल किया जाएगा मंदभागी घटना है पर मैं बारे पूरा कुछ नहीं कह सकता जिन्ना चिर मैं कमेटी रखांगा पूरी गल तफ्तीश होगी फिर ही कोई दस सकना जी। मेरा एजेंडा यह है कि किस तरीके सब तो पहले किताबां दा फोकस है दूजा वर्दियां ते फोकस है कि बच्चों नूं सस्तियां किताबां मिलन सस्ती वर्दियां मिलन वधिया तो वधिया जिहड़े स्कूल लोकी इन्हां ने पैसे खरीद के पढ़ाई करांदे मैं बच्चों का म्यार होर उच्चा करा जिवें कि इहदे वास्ते मैं सारे प्रिंसीपल सवान ते सारे अपने एग्जैक्टिव दे मैंबर दी जॉइंट मीटिंग बुलावांगा उहदे च सारिआं नूं गुरु महाराज दे हाजर जरूर करके उन्हां को प्रण लवांगा कि गुरसिखी नाल जुड़ो ते गुरसिखी वाले काम कर्म करो जिहदे नाल तां जो चीफ खालसा दवान नूं चढ़दियां कलां ले जा सकां। अपनी रिपोर्ट देगी उस तो बाद ही कोई फैसला ले सकदा। मैं ऑलरेडी सारे स्कूलां च गुरसिखी प्रोग्राम जोड़न लई प्रोग्राम चल रहे ने जिहड़ी साडी धार्मिक कमेटी वल्लों ज्यों ज्यों सारे स्कूलां नूं लाभबंद किया जाएगा उन्हां नूं जागृत किया जाएगा वी जे किसी नूं कोई गल होवे ते निडर हो के दसे तां जो असीं उहदे नाल खड़े हो सकीए। है ते माड़ी घटना इहदे च कोई दो राय नहीं मेरा आप इस गल तो बहुत परेशान हाँ लेकिन मैं हुण इस गल दी तह ते जावांगा और जो भी साडी सारी टीम कोलों उपराला होएगा मेरे कोल पढ़े लिखे नौजवानां दी टीम है बड़ी एडवोकेट साहब ने होर बच्चे बड़े बड़े सियाने ने खुराना साहब ने सेठी साहब ने सर हरमिंदर सिंह ने इन्होंने जिन्होंने बहुत तजर्बा है सारे बैठ के सलाह करांगे जेडे भी चीफ खालसा दवान की बेहतरी वास्ते कदम होणगे ओही काम करांगे। सकत्तर साहब आके दसणगे आके सकत्तर साहब बाहर गए हालात वेखदिया होया ते उन्हां नूं एक प्रधान मीत प्रधान नूं पूरा अधिकार है कि उस वेले संस्था नूं देखो हटाया नहीं गया मैं उन्होंने आदेश भी नाल लैटर भी आए थे उन्होंने आप अपने आप कह कि मैं इस सेवा से हाले तक उन्ना चर मैं सेवा नहीं कर पावगा हूँ जिन्ना चर मैं अपनी छवि को क्लीयर नहीं करा मैं सीट से बैठने का हकदार नहीं हाँ। मैं रिजाइन दिता नहीं रिजाइन उन्होंने यो ही कहा कि मेरी सेवा मैं जिन्ना सीट पर मेरा जिन्ना मेरे च मेरे से ना इल्जाम लाया वो कहें कि मेरा झूठा है लेकिन जिन्ना चिर मैं अपनी साबित नहीं करांगा मैं सीट देते नहीं रहूंगा। टेक्निकली टेक्निकली कोई छुट्टी तो नहीं जी उन्होंने जो हालात विच जो उन्होंने छवि खराब हुई है जो जो उन्होंने इस टाइम तो जो मीडिया ने आके यह फोटो जी पाई जो वो क्लीयर होंगे उन्होंने वो क्लैरिटी करने का उन्होंने पूरा हक है हर एक सर चरणजीत सिंह जी चड्डा कोई राइट नहीं है किसी ऑफिशेटिंग प्रधान लाने का संविधान च ये अपने आप प्रोविजन है मैं जी गल तुहानू पहले दस के आया कि जदों कोई बंदा गैर हाजिर हो जाए तो सेवावां निभाण दे ना योग रहे
ते मीत प्रधान जड़ा वो चार संभाल लंदा उसे अधिकारां दी वरतों करते हुए संविधान दे मीत प्रधान सरदार धनराज सिंह जी ने जड़ा वो चार संभाल लिया चार संभालन तो बाद उन्होंने जी चिट्ठी सकत्तर साहब नूं लिख दित्ती है तुहानूं असीं रिलीज़ करन लगे हाँ वो अस्तीफा देंदे है नहीं देंदे ये उन्हों का अपना जाति मसला है पर संविधान की जिहड़ी मंशा है उन्हूं पूरा कर दिता गया सर 25 मैंबरां ने एक चिट्ठी लिख के तकरीबन 25 मैंबरां ने चिट्ठी लिख के सकत्तर साहब नूं दे दित्ती है कि ये जिहड़े दोष ने ये बड़े गंभीर ने इन्हां दी गंभीरता नूं वेखदे हुए मैंबरी तो खर्च करना चाहिए वो चिट्ठी वक्री आ गई मैं अगे तुहानूं दस चुका बुलावांगा ऑफिस बेयरर की मीटिंग बुलावांगा कमेटी बना के जो कमेटी डिसाइड करेगी उत्ते अमल करांगे।